लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द राज रिव्यूज। एंड आज हमारे पास है दी ऑल न्यू 2024 एपिक न्यू स्विफ्ट। द न्यू स्विफ्ट कम्स इन 9 डिफरेंट कलर्स एंड स्टार्टिंग प्राइस इज अराउंड 6.49 लाख रुपीज। ये वाला जो वेरिएंट है दिस कम्स इन एट 9.65 लाख रुपीज, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक वर्जन है। स्विफ्ट को लॉन्च हुए 19 साल हो चुके, 2005 में हमें पहली कार देखी थी एंड नाउ इज द फोर्थ जनरेशन इन 2024 एंड इट रियली लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, कम्प्लीटली न्यू डिजाइनिंग। एंड इफ इट लुक्स गुड और नॉट, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। बट दिस इज एक्चुअली द एक्सेसराइज्ड वेरिएंट, ये वाला जो वेरिएंट है रेसिंग रोडस्टार इसका नाम है। ये जो कार मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ इसके ऊपर सिर्फ एक्सेसरीज लगी हुई है, ये कोई अलग से वेरियंट नहीं है। इन एक्सेसरीज का टोटल में जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड 39,000 रुपीज एक्स्ट्रा, किसी भी वेरियंट के ऊपर आप इनको लगवा सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग में देखें, आगे इट हैज़ अ वेरी अग्रेसिव फ्रंट एंड, स्प्लिटर आपको देख दिया गया है बिकॉज अगेन स्विफ्ट बीइंग दैट स्पोर्टी कार, स्पोर्टी डिजाइन स्विफ्ट में हमेशा बना रहेगा एंड दिस इज डन इन द फोर्थ जनरेशन एज वेल। हेडलैम्प्स हमें स्मोक्ड आउट हेडलैम्प्स मिलते हैं विद बूमरैंग DRLs एंड नीचे आपको LED फॉग लैम्प्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक कैनो ब्लैक ग्रिल आपको देखने को मिलेगी विच लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। इस सिल्वर के साथ जो ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट है पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। साथ ही साथ आपको इस पर्टिकुलर वेरियंट के अंदर आपको ये स्ट्राइपिंग देखने को मिलती है जो थ्रू आउट द कार जाती है, बॉनेट से शुरू होकर पीछे टेलगेट तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको यहाँ पे 2-टोन डायमंड कट अलॉयज देखने को मिल जाएंगे। 15 इंचेस का साइज है इनका विच इज सेम एज द प्रीवियस स्विफ्ट एज वेल, तो यहाँ कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है एक्सेप्ट फॉर द डिज़ाइन। साथ ही साथ इसी रेसिंग रोडस्टार वेरिएंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है साथ में क्लैडिंग भी जिसमें रेड इंसर्ट दिए गए हैं विच लुक्स वेरी वेरी नाइस। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो ORVMs के ऊपर भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ इंडिकेटेड इंडिकेटर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे एंड साइड स्कर्टिंग भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में विद रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाती है। अब अगर हम रियर की बात करें, दिस इज द पार्ट विच आई रियली रियली लव अबाउट द स्विफ्ट। सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को यहाँ मिल जाते हैं एंड सबसे ज़्यादा एग्रेसिव स्पोर्टी डिज़ाइन भी आपको रियर में ही देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक क्लियर और ब्लैक्ड आउट फिनिश में टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं विद द सी स्टाइल ब्रेक लाइट्स विच लुक वेरी वेरी गुड। इस पैक के अंदर जो एक्सेसरी वाला पैक ये है रेसिंग रोडस्टार, इसके अंदर आपको यहाँ पे एक स्पॉइलर देखने को मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर, साथ ही साथ रेड इंसर्ट्स अगेन इसमें देखने को मिल जाएंगे विच गिव्स दिस कार अ मोर स्पोर्टी एंड अग्रेसिव डिजाइन। स्विफ्ट की बैजिंग यहाँ पे विद द सुजुकी लोगो एंड एक रिवर्स कैमरा के साथ आपको यहाँ पे एक रियर डिफ्यूजर भी देखने को मिलता है जो कि अगेन इस कार को एक स्पोर्टी डिजाइन को और अग्रेसिव बनाती है एंड पर्सनली मुझे ये डिज़ाइन इस कार का जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि नई स्विफ्ट के अंदर एक रैप अराउंड डिज़ाइन दिया गया है, यानी कि अगर आप ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ये ऑल ओवर द कार आपको बॉनेट से लेकर पीछे तक साइड में हर जगह देखने को मिलेगी जो इस कार को एक नया स्टाइल स्टेटमेंट देती है विच पर्सनली अगेन मुझे बहुत पसंद आई, आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। बात करें अगर हम नए इंजन की स्विफ्ट के अंदर, क्योंकि इंजन इस कार का एक सबसे बड़ा चेंज दिया गया है पिछली स्विफ्ट से, क्योंकि अब की बार आपको एक नया जेड सीरीज़ का इंजन देखने को मिलता है जो कि 3 सिलेंडर में आता है लेकिन सेम 1.2 लीटर कैपेसिटी में है। 82 BHP ये प्रोड्यूस करेगा आपके लिए एंड इट गिव्स अ 14% बेटर फ्यूल इकोनॉमी माइलेज। अगर हम बात करें ऑटोमेटिक में तो आपको मिलेगी 25.75 की माइलेज एंड अगर हम बात करें मैनुअल में तो 24.8 की माइलेज आपको मिल जाएगी इन द मैनुअल, विच आई थिंक इज प्रिटी गुड नंबर्स फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कार। बात करें अब हम अगर इंटीरियर की तो सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील की बात करें, हालांकि स्टेयरिंग व्हील में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन चेंजेस नहीं है, वही सेम सर्कुलर डिज़ाइन आपको मिलता है विद द फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील। एयरबैग का जो सर्कुलर शेप है वो भी आपको वैसा ही मिलेगा। लेदर आप स्टेयरिंग व्हील मिलता है विद पियानो ब्लैक इंसर्ट्स, लेकिन इस बार पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में आपको थोड़ा सा शाइन देखने को मिलेगा जो कि पर्सनली मुझे एक अच्छा टच लगा। बाकी अगर हम ड्राइवर डिस्प्ले की बात करें तो ये ड्राइवर डिस्प्ले वही है जो आपको बाकी मारुति की कार्स में देखने को मिलती है, वही स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है, कुछ नया ऐड नहीं किया गया, बट हाँ ग्राफिक्स अगेन इसमें भी थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं टू गिव इट दैट स्लाइटली बेटर। यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले मिलती है दैट इज फिनिश्ड इन मैट, यानी कि आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शाइन देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फोन की जो फ्लैश है अभी डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर पड़ रही है, बट मैट डिज़ाइन होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, आपको स्क्रीन के ऊपर क्या है वो बहुत आराम से दिख रहा है, जो कि सनलाइट में आपके लिए एक अच्छा फीचर रहने वाला है।
गाड़ी की जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो चेंज कर दी गई है, एक नया स्किन है, यूजर इंटरफेस थोड़ा सा चेंज किया गया है, बट इट इज फेयरली रिस्पॉन्सिव, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आती आपको यूज करने में, इट्स वेरी वेरी फास्ट, जैसे आप किसी भी चीज पे क्लिक करेंगे तो वो साथ के साथ चेंज होता है, इट्स अ वेरी गुड यूजर इंटरफेस। एंड काफी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलता है, फोन की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, FM की, डेट एंड टाइम आपको मिल जाता है, गाड़ी की कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि रेंज, इकोनॉमी जैसी चीजें, सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। एसेंशियली यूज करने के लिए सिस्टम ये वैसा ही है जो आपको मारुति की बलिनो वगैरह में या जो मारुति की नई जो गाड़ियां आ रही है उनमें वैसा ही देखने को मिलता है, बट हाँ इसमें स्किन थोड़ी सी डिफरेंट है, विच आई पर्सनली डू लाइक। ऑटोमेटिक एसी आपको देखने को मिल जाता है इस कार के अंदर, साथ ही साथ आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है, यानी कि 40 प्लस फीचर्स हैं इस कार में जो कनेक्टेड कार सुजुकी की कनेक्ट ऐप से आप इसको देख सकते हैं, जिसमें जियो फेंसिंग, ट्रैकिंग, स्पीड अलर्ट्स, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सीट कवर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन इस पर्टिकुलर एक्सेसराइज वेरिएंट में आपको ये सीट कवर्स देखने को मिलते हैं। अब की बार सेफ्टी का ध्यान रखा गया है स्विफ्ट के अंदर, आपको 6 एयरबैग्स, हिल होल्ड कंट्रोल, 40% हाई टेंजाइल स्टील चैसी जैसे फीचर्स आपको एज स्टैंडर्ड हर एक वेरिएंट में, टॉप से लेकर बेस वेरिएंट सब में देखने को मिल जाएंगे। तो उसी के अंदर यहाँ पे 6 एयरबैग्स, सीट एयरबैग्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से सीट कवर साइड बल्स्ट्रिंग में नहीं लगाई गई है। यहाँ पर आपको इस वेरिएंट के अंदर आपको ये एक्सेसरीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन फाइबर फिनिश में ये आपको कुछ इंसर्ट्स दिए गए हैं ऑन द डोर एंड ऑन द डैशबोर्ड। एंड जो ये पूरा कॉकपिट है ये आपका पूरा ड्राइवर फोकस्ड है, यानी कि इवन द डिस्प्ले थोड़ा ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, एंड द इंटायर डैशबोर्ड इनफैक्ट थोड़ा सा ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, गिविंग इट अ मोर स्पोर्टी एंड अ फन लुक। कुछ और फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो आपको यहाँ पे USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको वायरलेस चार्जिंग इस कार में देखने को मिल जाती है, आपको दो यहाँ पर पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एक USB-A है एंड एक टाइप सी पोर्ट है फॉर चार्जिंग योर फोन इन द कार, विच इज़ अ गुड थिंग टू सी। अब की बार आपको रियर AC वेंट्स तक देखने को मिल रहे हैं नए स्विफ्ट के अंदर, विच इज़ अ ग्रेट एडिशन टू सी, आपके राइडिंग एक्सपीरियंस एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस दोनों को ही ये इम्प्रूव करने वाला है। बाकी प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें इस गाड़ी के अंदर तो आपको 268 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि पिछली स्विफ्ट से एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है जो थोड़ा मेजर है, दैट इज़ लोडिंग लिप जो है इस गाड़ी की अब की बार थोड़ी छोटी कर दी गई है। अगर आप मेरा पिछला रिव्यू देखें ऑफ द स्विफ्ट जो हमने पिछली जनरेशन का किया था, उसके अंदर मैंने एक कंप्लेन करी थी दैट लोडिंग लिप बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर आपने भारी सामान रखना हो तो उठा के उसको रखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, एंड मारुति ने बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एटलीस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया है, लोडिंग लिप थोड़ी सी छोटी कर दी गई है, विच आई थिंक इज़ गुड इनफ। यहाँ पर अगर मैं स्पेस वाइज बात करूँ तो 4 बैग्स आप साथ के साथ रख सकते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी स्टैकिंग हो जाएगी, तो अगर आपको एक फैमिली लॉन्ग रोड ट्रिप पर जाना हो इस कार के अंदर, दैट इज़ वेरी वेल पॉसिबल इन द न्यू स्विफ्ट। रही बात अगर हम कंफर्ट की बात करें इस कार के अंदर, तो कंफर्ट इस कार का जेन्युइनली काफी ज्यादा है। वैसे तो आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं जिसके ऊपर अभी सीट कवर्स लगे हुए हैं लेदर के अंदर, तो उसमें मेरे को एज सच कोई कंफर्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं लगी, सीट्स आर काफी सॉफ्ट, काफी प्लश है। साथ ही साथ आपको जो बल्स्ट्रिंग मिलती है वो काफी ज्यादा है, यानी कि अगर आप स्पोर्टी ड्राइविंग करते हैं, जो कि स्विफ्ट जिसके लिए जानी जाती है थोड़ी स्पिरिटेड ड्राइविंग करने के लिए, वो आप इस कार के अंदर बहुत आराम से कर सकते हैं, आप ज्यादा इधर उधर हिलने डुलने नहीं वाले हो। फ्रंट सीट होने की वजह से आप ऑब्वियसली सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील कॉलम को आप ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, विच गिव्स यू द प्रॉपर ड्राइवर कंफर्ट। बट मेरी जो हाइट है वो काफी लंबी है, 6'2" मेरी हाइट है, एंड 6'2" का भी ड्राइवर आगे बैठा हुआ है। अब अगर मैं रियर सीट में जाता हूं तो वहां पर देखते हैं कि कितना डिफरेंस पड़ता है, या फिर कितना ज्यादा स्पेस मिलती है अगर एक 6'2" इंच का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, एक 6'2" इंच का पैसेंजर अगर पीछे बैठा है, तो लेट्स गो एंड सी दैट राइट नाउ। सो नाउ मूविंग इन टू द रियर सीट्स, मेरे पास यहाँ पर कुछ आधे इंच की लेग स्पेस है, तो यानी कि बहुत ज्यादा स्पेस तो इस गाड़ी में नहीं है। हेड स्पेस आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर, विच आई थिंक इज अ गुड साइन। बेस्ट अगर मैं ओवरऑल कंफर्ट की बात करूँ एंड विड्थ की बात करूँ, तो यहाँ पे 3 एडल्ट्स का बैठना मेरे हिसाब से काफी ईजी है, आई डोंट थिंक anyone विल फेस एन इशू। सीट मटेरियल ऑब्वियसली सेम एज द फ्रंट वंस, नीचे फैब्रिक सीट्स हैं लेकिन सीट कवर्स लगे हुए हैं लेदर राइट, तो सीट कंफर्ट वाइज आई डोंट थिंक आपको पीछे कोई दिक्कत आने वाली है। थोड़े लंबे लोगों के लिए पीछे स्पेस कम है, बट अगर ड्राइवर की हाइट डिफरेंट हो, हाइट थोड़ी छोटी हो, या फिर पैसेंजर के पीछे थोड़ी हाइट छोटी हो, तो मैनेज हो जाएगा। एंड सो दैट राइट देयर वाज अ डिटेल्ड वॉक अराउंड ऑफ द न्यू स्विफ्ट। आपको नई स्विफ्ट कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, और ये एक्सेसरी पैक के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।